वीडियो में मैं ब्लड की फिजियोलॉजी के बारे में बात करूंगी, और इसमें अगर इसका इंट्रोडक्शन देखें तो ब्लड जो है एक रेड कलर का फ्लूइड है जो कि सर्कुलेट करता है वास्कुलर सिस्टम में और अपने साथ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो इसका जो कलर है वो रेड कलर है, और जो आर्टरियल ब्लड होता है वो स्कारलेट रेड कलर होता है ऑक्सीजन की वजह से, और जो वेनस ब्लड होता है वो पर्पल रेड कलर का होता है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसके वॉल्यूम को डिस्कस करें तो इसका वॉल्यूम जो एवरेज वॉल्यूम है वो 5 लीटर है, और न्यू बॉर्न में ये 450 मिलीलीटर होता है, और फीमेल में ये 4.5 लीटर होता है। और इसकी जो पीएच होती है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है ये ब्लड, और इसकी जो पीएच है वो 7.4 है। अब मैं बताऊंगी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड, और ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 1.052 to 1.061, और जो ब्लड सेल्स की ग्रेविटी है वो है 1.092 to 1.101, और प्लाज्मा की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 1.02 to 1.026। अब विस्कोसिटी देखें ब्लड की तो वो 5 times मोर विस्कस है देन वाटर। ब्लड को फ्लूइडो कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि इसमें कनेक्टिव टिश्यू की तमाम प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, और ये ओरिजिन से मेसोडर्मल है क्योंकि गैस्ट्रोलेशन के दरमियान जो 3 लेयर जर्मिनल लेयर्स बनती हैं उनमें से एक जर्मिनल लेयर मेसोडर्मल लेयर है, और इस मेसोडर्मल लेयर से ब्लड कंपोनेंट्स और ब्लड वेसल्स बनती हैं, और ये ब्लड कनेक्ट करता है बॉडी के तमाम पार्ट्स को एक दूसरे के साथ, और इसमें कनेक्टिव टिश्यू के तमाम कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, और इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के तमाम पार्ट्स की तरफ और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के तमाम हिस्सों से लंग्स की तरफ लेकर आता है। इसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को कैरी करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स को कैरी करके सारे टिश्यूज़ की तरफ लेकर जाता है। इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं क्योंकि ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और बॉडी से अनवांटेड सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इसकी कंपोजिशन जो है उसमें ब्लड सेल्स को फॉर्म एलिमेंट्स कहते हैं और फ्लूइड मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं, और इसके इसमें 3 types के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो कि एरिथ्रोसाइट्स कहलाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो कि ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं, और प्लेटलेट्स जो कि थ्रोम्बोसाइट्स कहलाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हेमेटोक्रिट वैल्यू को। रेड ब्लड सेल्स का जो वॉल्यूम होता है अगर उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाए तो वो उसकी हेमेटोक्रिट वैल्यू या पैक्ड सेल वॉल्यूम कहलाता है, और ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% टोटल ब्लड का रेड ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। अगर ब्लड को हेमेटोक्रिट ट्यूब में कलेक्ट किया जाए और उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाए तो रेड ब्लड सेल जो हैं बॉटम में सेटल डाउन होते हैं, और वो जो बाकी बचता है वो प्लाज्मा होता है जो कि टॉप पर मौजूद होता है। ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो प्लाज्मा मिलता है उस प्लाज्मा को देखते हैं कि ये प्लाज्मा स्ट्रा कलर का क्लियर लिक्विड है, और इसमें 91 to 92% वाटर होता है और 8 to 9% सॉलिड्स होते हैं, और ये सॉलिड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। सीरम को देखते हैं, सीरम भी क्लियर स्ट्रा कलर का लिक्विड है जो कि ब्लड क्लॉट से निकलता है। जब ब्लड को एक कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है तो इसका क्लॉट बन जाता है। इस अमल के दौरान जो है फाइब्रिनोजिन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रिन में, और फाइब्रिन जो है ट्रैप कर लेता है ब्लड सेल्स को जिससे ब्लड क्लॉट बनता है। सीरम का वॉल्यूम जो है वो प्लाज्मा के वॉल्यूम की तरह 55% है, और ये प्लाज्मा से सिर्फ फाइब्रिनोजिन की एब्सेंस की वजह से डिफरेंट है। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन को निकाल दें तो वो सीरम हमें हासिल होता है। ब्लड के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। ब्लड का जो पहला फंक्शन है वो है न्यूट्रिटिव फंक्शन। अब डाइजेस्टिव फूड से जो हमें न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस मिलते हैं जो कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स हैं, इन
उनको ब्लड जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कैरी करके बॉडी के दूसरे पार्ट्स की तरफ लेकर जाता है। अब रेस्पायरेटरी फंक्शन देखें तो इसका ये ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पायरेटरी गैसेस को, जैसे कि पहले डिस्कस किया है कि ये ऑक्सीजन को बॉडी के दूसरे पार्ट्स की तरफ लेकर जाता है और बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स की तरफ लेकर आता है। और इसका जो थर्ड फंक्शन है वो है एक्सक्रीटरी फंक्शन, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान बनते हैं उनको बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ब्लड का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ब्लड में मौजूद प्लाज्मा प्रोटीन्स और जो हीमोग्लोबिन है वो बुफर के तौर पे एक्ट करती हैं और एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करती हैं। अब इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होते हैं, तो ये ब्लड उनको ट्रांसपोर्ट करता है टारगेट ऑर्गन्स या टिश्यूज़ की तरफ, और ब्लड जो है इसी तरह इंजाइम्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, ये वाटर कंटेंट को भी रेगुलेट करता है बॉडी में और ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। इसकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है जिसकी वजह से ये बॉडी में हीट लॉस और हीट गेन के बैलेंस को कायम रखता है।